छात्र पर तंज कसे जाने को लेकर छात्रों के दो गुटों में हुई झड़प में एक छात्र की हत्या कर दी गई जबकि दूसरा गंभीर जख्मी है। यह वारदात शुक्रवार की दोपहर सेमिनार हिल्स के बाल उद्यान के पास हुई है। पुलिस ने हत्या के सूत्रधार सहित 8 छात्रों को हिरासत में लिया है। इस वारदात से पुलिस और पालकों में खलबली मची। हर्ष डांगे उम्र 22 साल साई नगर तथा अधिकेत कसार उम्र 22 साल जख्मी है। वारदात की शुरुआत शुक्रवार की सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित रायसोनी कॉलेज से हुई है। हत्या का सूत्रधार दीपांशु पंडित रायसोनी कॉलेज में पॉलिटेक्निक दूसरे वर्ष का छात्र बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार दीपांशु ने सुबह अपने क्लास की एक छात्रा पर छींटाकशी की। छात्रा ने अपनी सहपाठी प्रियांशु को इसकी जानकारी दी। प्रियांशु और उसके 2-3 मित्र छात्रों ने दीपांशु को कॉलेज की कैंटीन में छींटाकशी नहीं करने की बात समझाई। दीपांशु के मित्रों को भी वहां मौजूद होने से दोनों गुट के बीच कहा सुनी हो गई। दोनों गुट कॉलेज के बाहर आ गए। वहां सड़क पर उनके बीच मारपीट हुई। इस मारपीट से दीपांशु तिलमिला गया। इसके कुछ देर बाद प्रियांशु अपने साथियों के साथ बाल उद्यान पहुंचा। उसने दीपांशु को चर्चा करने के लिए बाल उद्यान में बुलाया। दीपांशु के मित्र राम ने मोहन नगर निवासी अपने मित्रों को बाल उद्यान में आने की बात बताई। दीपांशु पंडित, आयुष तांबे, ऋतिक लबादे, अमन सहित 7-8 युवक हथियार लेकर बाल उद्यान पहुंच गए। बाल उद्यान के रेस्टोरेंट में प्रियांशु, हर्ष डांगे, अनिकेत कसार सहित 7-8 छात्रों के साथ बैठा था। दीपांशु और साथी पहले ही हमले की तैयारी में थे। उन्होंने चाकू और अन्य हथियार से हमला किया। प्रियांशु और उसके साथियों ने मुकाबला करने का प्रयास किया पर दीपांशु के साथी हावी हो गए। हमले में हर्ष डांगे और अनिकेत कसार जख्मी हुए। अनिकेत साथी की बाइक से अस्पताल गया जबकि हर्ष कुछ देर तक दौड़ने के बाद गिर पड़ा। तभी पीछे से आए दीपांशु और साथियों ने चाकू से वार कर हर्ष की हत्या की। घटना के वक्त रेस्टोरेंट में काफी लोग थे। हमलावरों ने रेस्टोरेंट की कुर्सी तथा फर्नीचर को भी तोड़फोड़ किया। वारदात का पता चलते ही क्राइम ब्रांच के DCP चिन्मय पंडित तथा Zone 2 के डॉक्टर संदीप पखाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम को तत्काल आरोपियों को धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए। कुछ देर में ही सभी को खोज कर निकाला गया। हिरासत में लिए गए कुछ छात्रों के नाबालिग होने का भी पता चला है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टुडे, टी न्यूज, नागपुर। महाराष्ट्र में ताजा बातें सहित बदल रहा टाइम्स टुडे टी न्यूज, सो शेयर करा, सब्सक्राइब करा, बेल आइकन प्रेस करा।